अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों हमने पहले अपने कारपेट उठा लिए हैं सारे, देख सकते हैं सारे कारपेट ऊपर कर लिए हैं और दुम्बो को भी जो है खाना डाल दिया। अब मुर्गिया जो है हमारी वेटिंग पे वेटिंग है, मुर्गियों को खाना डालना है और जो है हमने अपनी कुड़क मुर्गिया खोलनी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चले दोस्तों सबसे पहले अपनी मुर्गिया खोल लेते हैं क्योंकि हमारी अंदर कुड़क बंद है, तो आज इनको भी खोल लेते हैं। चलो जा दोस्तों, माशा हमने एक मुर्गी खोल दी अपनी, मार दी है वाली मुर्गी। चलें दोस्तों इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। माशाल्लाह दोस्तों हमारे जैसे मुर्गी ने एक बच्चा निकाल दिया है। माशाल्लाह से दोस्तों एक बच्चा अभी निकला है बीच के अंदर, तो मुझे लग रहा है ये 3 घंटे पहले का निकला हुआ क्योंकि बच्चा अब चुक चुका है। और आप देख सकते हैं और अंडे भी फुटक हैं और बच्चे भी बाहर आने के चक्कर में लगे हुए। माशाल्लाह दोस्तों बच्चे जैसे निकलना स्टार्ट हो गए। दोस्ती वाला अंडा भी दोस्तों क्रैक हुआ है, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द निकल जाएगा। दोस्तों देखें क्रैक हुआ हुआ यहाँ से, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। इसको रख देना तो माशाल्लाह बच्चा बहुत क्यूट है ये देखें। तो ये मेरे ख्याल से 3 घंटा पहले ही निकला हुआ दोस्तों, और क्योंकि इस मुर्गी का टाइम हो गया। मैंने आपको कल ही बताया था कि इस मुर्गी के बच्चे जो है निकलने वाले किसी वक्त भी निकलेंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह आज जो है एक बच्चा निकल चुका है अभी, और दोस्तों अभी बाकी सारे और बच्चे भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे देख लेते हैं इस मुर्गी के निकलेंगे नहीं निकले। दोस्तों इस मुर्गी के भी जो है निकलने वाले, क्योंकि इन दोनों मुर्गियों को हमने 1 दिन के गैप से ही बिठाया था, तो इस मुर्गी के भी निकल जाने चाहिए या कल कल निकल जाएंगे। दोस्तों एक आध दिन और होगा इस अंडों में, चेक कर लेते हैं। नहीं दोस्तों अभी इसके अंदर जो है बच्चे अभी नहीं निकले, अभी इसके अंदर जो है मुझे टाइम लग रहा है, एक आध दिन लग रहा है। इसमें से भी दोस्तों इंशाल्लाह निकल जाएंगे। अभी इस वाली मुर्गी के जो है हमारे निकलना स्टार्ट हो गए, इंशाल्लाह इसके भी निकल ही जाएंगे। दोस्तों अपनी पार्टी मुर्गी भी खोल लेते आराम से। दोस्तों निकाल दिए बाहर हमने। दोस्तों ये चिल्लाना भी स्टार्ट कर रहा है, ये चिल्ला रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि इसकी माँ जो है अभी खाना खाने के लिए निकाली है, तो ये कह रहा है मुझे भी बाहर निकालो। तो इसको अभी फिलहाल हम बाहर नहीं निकालेंगे और इसके अंडे जो है दोस्तों अंदर रख देते हैं ताकि जो है मुर्गी आके इनक्यूबेट करना स्टार्ट कर दे थोड़ी देर में। माशाल्लाह दोस्तों ये तो गुड न्यूज आ गए हमारे सेटअप पे वापस से। दोस्तों बच्चे निकलना स्टार्ट हो गए, आप लोगों ने बताया आपको बच्चा कैसा लगा। दोस्तों अभी एक ही निकला है, इंशाल्लाह कल तक जो है और बच्चे निकल जाएंगे और बाकी हम लोग जो है अभी थोड़ा वेट करेंगे कि 1 दिन वेट कर लेंगे, उसके बाद जो है बाकी जो अंडे होंगे उनको चेक करेंगे कि उन पर डाइल हैंगे नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से दोस्तों इंशाल्लाह सारे बच्चे निकलने चाहिए क्योंकि मुर्गी जो है बहुत ही अच्छा कुड़ा हुई थी और बहुत ही अच्छा बैठी थी। तो हमारी मुर्गियाँ दोस्तों सामने खड़ी हो चुकी हैं, तो मैं इनको पहले खाना डाल देता हूँ, आगे खाने पर लग जाएँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों हमने अपनी मुर्गियों को जो है वहाँ खाने पे लगा दिया, वो हमारी मुर्गियाँ जो खाना स्टार्ट कर दी है। और थोड़ा सा हम बाजरा भी डाल देते हैं, अपने छोटे चूजों को दाना भी डालते हैं ताकि जो है हमारे छोटे चूजे दाना भी खाना स्टार्ट कर दें क्योंकि इनको जो ऊपर चढ़ना नहीं आता। दोस्तों इनको दाना डाल देना। तो माशाल्लाह दोस्तों ये हमारी जो है मुर्गियाँ और चूजे दाना खा रहे हैं। तो अंदर इधर वाले चूजे भी तीनों खोल देना दोस्तों, ये भी अंदर बेचारे बैठे हैं, ये लोग भी बंद है रात से, तो इनको भी निकाल दें ताकि ये लोग भी बाहर आ जाएं। माशाल्लाह दोस्तों अब इनकी जगह जो है वो छोटे बच्चे घेर लेंगे, अब हमें इस वाली जगह पे छोटे बच्चे डालने पड़ेंगे दोस्तों, फिर इनके लिए जगह नहीं बनेगी हमारे पास। लेकिन इनको अभी हम जो है खुला भी नहीं छोड़ेंगे, इनको जो है हम उधर वाले जो 2 बच्चे हमारे उस वाले केज के अंदर है, इन बच्चों को हम लोग तीनों को उस वाले केज के अंदर डाल देंगे ताकि ये बच्चे भी सर्वाइव कर जाए और वो वाले बच्चे भी दोस्तों उनके लिए भी जगह बन जाए। दोस्तों इनको अब दाना डाल दिया, सब दाना माशाल्लाह मुर्गियाँ खा रही हैं हमारी।
इनको दाना खाने देते। माशाल्लाह दोस्तों, सारी मुर्गियां हमारी कूड़क वाली और जितनी भी मुर्गियां सारे दाने पे लग गई हैं। और अभी हम अपने चलते हैं छोटे चूजों की तरफ दोस्तों, उनको भी बाहर खोल देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चूजा जो है दोस्तों, एक चूजे की टांग जो है सूज गई थी, अब वो माशाल्लाह से रिकवर हो चुकी है। मैंने उसको जो है आईडेक्स वगैरह लगा दी थी, अब माशाल्लाह बच्चा बिल्कुल सही हो गया हमारा। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये वाइट वाला बच्चा है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं इसको हम बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों ये हमारा वो वाला बच्चा है जो इसकी टांग में आपको पता है सूजन आ गई थी, स्वेलिंग हो गई थी, और जो है बच्चा बहुत ज्यादा जो है दोस्तों लंगड़ा होकर चल रहा था। अब माशाल्लाह बिल्कुल सही हो चुका है, अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ही 90% इसने रिकवर कर लिया है। इसकी टांगों की स्वेलिंग जो है खत्म हो गई है, अब इंशाल्लाह ये सर्वाइव कर जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसकी टांग जो दोस्तों पता नहीं, मेरे ख्याल से दोस्तों लव बर्ड ने काट दी थी, ये जो बाहर खुले में दोस्तों, हो सकता है इन्होंने इसकी टांग पे अटैक कर दिया हो, क्योंकि ये आपको पता है टांगों पे ही अटैक करते हैं। तो इसीलिए इस बच्चे की टांग जैसी स्वेलिंग हो गई थी, मैंने आईडेक्स लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब रिकवर हो चुकी है माशाल्लाह से, बिल्कुल अब सेट हो गया चूजा हमारा। देखो दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह से अब भाग भी रहे और बिल्कुल ओके हो गया। दोस्तों इनको हमने खोल दिया, ये भी धूप जब तक ले लेंगे, धूप भी आना स्टार्ट हो गई सेटअप पे, क्योंकि धूप जो आपको बता थोड़ी लेट आती है। और दोस्तों हमने चेक कर लेते हैं हमारे जावा के बच्चे जो है सही हैं कि नहीं। माशाल्लाह दोस्तों हमारी जावा के बच्चे बिल्कुल सही हैं, और हमारी बड़ी जावा भी बिल्कुल ओके हैं, सारी बैठी हैं। दोस्तों हमारी जावा को जो है बाजरा खत्म हो गया, तो आइए हम सबसे पहले उनके लिए बाजरा लेकर आते हैं, क्योंकि बाजरा जो है डालना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा बाजरा रह गया और हमारी जावा आपको बताया ज़्यादा है, तो इसलिए बाजरा जो है बहुत ही कम होगा। तो बाजरा इनको हम डालते हैं दोस्तों, बाजरा इसके अंदर हमने रखा हुआ है, ये बोरे के अंदर बाजरा है, तो उसके अंदर से हम बाजरा पहले निकालते हैं, फिर लेके चलते हैं अंदर। दोस्तों हमने बाजरा जो है निकाल लिया है, और आइए हम इस जावा को डाल देते हैं, ताकि जो है जावा हमारी बाजरा खाना स्टार्ट करें। बाजरा यहाँ रख देते हैं और अपनी छोटी जावा को भी डाल देते हैं। दोस्तों ये वाली जो है इनका पानी भी गंदा हो चुका है, और बाजरा भी इनका बहुत ही कम है, तो अभी हम इसके अंदर बाजरा भी थोड़ा डाल देते हैं, ताकि बाजरा भी खाती नहीं है लोग। दोस्तों बाजरा डाल दिया है, और पानी जो है मैं पानी भी इनको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पानी आप लोगों को पता है ये नहाती हैं, खुले बर्तन जहाँ देख लेती हैं दोस्तों जावा नहाना शुरू कर देती हैं, चाहे वो पट्टे हों चाहे वो बड़ी हों। तो दोस्तों इन्होंने जो है इसमें खूब नहाया है, इसलिए पानी जो है बहुत ज़्यादा मेला हो गया। अब मैं पानी को फेंक कर इनके लिए नया पानी साफ डाल देता हूँ। तो पानी मैंने फेंक दिया, पानी इसके अंदर से निकाल लिया, और चलते अपनी जावा को डाल देते हैं। दोस्तों अभी मैंने देखा ये हमारे छोटे चूजों को, दोस्तों ये वाले बड़े चूजे जो है इनको मार रहे हैं, जिससे ये हमारे छोटे चूजे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, और मतलब कि डर बहुत ज़्यादा रहे, तो इसीलिए जो है हम अपने छोटे चूजों को यहाँ से बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे छोटे चूजे दोस्तों बीमार ना हो जाएं, क्योंकि मुर्गियाँ जो हैं बहुत ज़ोर से मार रही हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों ये मुर्गियाँ जो हैं अब मारना शुरू कर देंगी इनको, जो चूजे हमारे छोटे हैं दोस्तों ये वाले, तो इसीलिए हम इनका रिस्क नहीं लेंगे, इनको वापस अंदर डाल देते हैं। दोस्तों माशाल्लाह हमारे सारे लव बर्ड जो दोस्तों ऊपर बैठे हुए हमें देख रहे हैं, ये भी अपने खाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि इनको चने कब मिलेंगे। दोस्तों माशाल्लाह सारे यही बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, माशाल्लाह लाजमी बोला करें। चलिए दोस्तों दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अपने चूजों को जो है थोड़ी देर में पानी डालेंगे। अब दोस्तों चने देख लेते हैं, और दोस्तों आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा वो बज्जी का पिया दोस्तों इसके अंदर डाला था, जैसा कि आपको पता है दोस्तों वो सामने बैठा हुआ है। दोस्तों अभी ये थोड़ा सा जो है ये इस केज में आके थोड़ा सा डर गए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी ये मटकी की तरफ नहीं जा रहे, एक ही दिन मटकी में जाके बैठे थे, वो देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो अभी ये यहाँ बैठे हुए, पेयर तो माशाल्लाह दोस्तों हमारा अच्छा लगा हुआ है, लेकिन जो है थोड़ा सा ये दो तीन दिन में दोस्तों इनका डर निकल जाएगा, तो फिर ये अपनी मटकी की तरफ जाना शुरू कर देंगे और अंडे के बच्चों की तरफ आ जाएंगे। तो आइए चले दोस्तों, हमारा माशाल्लाह बच्चा भी दोस्तों जो हमने कल डाला था इधर,
वापस हमने बाबा आपके पास, तो दोस्तों माशाल्लाह से ये भी रिकवर हो चुका है, बिल्कुल ओके हो गया इसके। इसने जो मोशन कर दिया दोस्तों डर के मारे दोस्तों, वो भी सेट हो चुका है। ये देखें दोस्तों, इसके बाप ने उसको फीड करवा के उसको सही कर दिया। कल आपने देखा था कि थोड़ा थोड़ा फूल के बैठ रहा था, अब माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बिल्कुल रिकवर हो चुका है। इसकी माँ भी अंदर से देख रही है, और दोस्तों अब इसको जो है छोड़ देते ख्याल पे, और अब हमने जो है तोते को दोस्तों चने डालना स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों चने निकाल लेते हैं, दोस्तों चने जो हमने निकाल लिए हमने तोतों के लिए, अब इनको डालना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सेटअप पे सारे काम कर लिए हैं, तो वो चने वगैरह डाल दिए और तोतों को भी सबको डाल चुके हैं, और अपनी कुड़क मुर्गी दोस्तों हमारी सारी बैठ चुकी है, सारी की सारी बैठ गई है। और दोस्तों हमारे बच्चे जो है आज निकलना स्टार्ट हो गए माशाल्लाह दोस्तों, बहुत खुशी हुई है दोस्तों आज बच्चे देखने को मिले हमें, अपने चूजे निकलना स्टार्ट हो गए हमारे फील्ड के। तो दोस्तों दुआ करते हैं कि हमारे सारे चूजे दोस्तों कल तक इंशाल्लाह सारे हैच होकर बाहर आ जाएं चूजे, और दोस्तों जल्दी से हम आपको दिखाना स्टार्ट करें। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे कितने चूजे निकले और कितने चूजे नहीं निकले। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल वीडियो बनाएंगे, उसकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शेयर में जाकर लाइक लाजमी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।